देखो बच्चों, आज हम बता रहे हैं आपको वजन को कैसे तोलते हैं, वजन को कैसे और निकाय मापन बाट, बाट सेज बाट दुकान पे देखा होगा, परचूनी की दुकान पर या और किसी दुकान पर, लोहे की दुकान पर बाटों का इस्तेमाल होता है। किसका होता है? ध्यान से देखे सारे बच्चे, उसमें बाट इस्तेमाल करते हैं। और जब अगर कोई चीज सौदा लेने जाओ आप लोग, तो ध्यान रखो कौन सा बाट दुकानदार ने रखा है, कौन सा नहीं रखा है। अगर नहीं रखोगे तो वो 100 ग्राम मार सकता है तुम्हारी, 50 ग्राम मार सकता है तुम्हारी, है और 200 ग्राम मार सकता है। अगर आपने आप लिया वो चुपचाप सब्जी लेने जा रहे हो, वहां पर मार सकता है आपको, हो सकता है ऐसा। तो सारे बच्चों को बाटों की पहचान होना चाहिए, बाटों की पहचान। तो देखो ये एक किलो ऐसे लिखा होगा, एक केजी, क्या लिखा होगा उस पे? तो आप एक किलो चीनी लेने जा रहे हो तो कह देना बटन पे, ये सॉरी बाट पहचान लेना, पहचान लेना, क्या पहचानना कि उसने एक किलो का बाट रखा है या नहीं रखा है तराजू पर। समझ में आया? अगर मान लो 500 ग्राम खरीदना है, 500 ग्राम का मतलब है आधा किलो, 500 ग्राम का मतलब कितना होता है? आधा किलोग्राम खरीदना है हमारे लिए चीनी, तो बात ध्यान से देख लो कि उसने दुकानदार ने क्या करा है, आधा किलो रखा है या नहीं रखा है, या उसने 200 ग्राम के दो बाट रख दिए हैं, तो कितनी आ रही आ रही, आपका नुकसान हो जाएगा 100 ग्राम, कितना हो जाएगा? तो आप इसको देख लीजिए, 500 ग्राम वाले पे ऐसे लिखा होगा 500 जी या GM, और 200 ग्राम का बाट ये है कितना है, बोल जा रहा है चीनी लेने, 200 ग्राम चीनी दे दो, 200 ग्राम की जगह उसने 100 ग्राम का बाट रख दिया, एक 50 ग्राम का रख दिया, कितना नुकसान हुआ तुम्हें? तो पहचान लो ऐसे लिखा होगा 200 ग्राम, फिर आएगा 2 किलो, मान लो 2 किलो आलू लेना है तुम्हारे लिए, क्या लेना है, तो उसका बाट पहचान लो। और एक बात और है, बाट में खासियत होती है, बाट के नीचे ये मोहर लगी होती है नगर निगम से, क्या लगी होती है, मोहर लगी होती है नीचे यहाँ पर, वो मोहर भी देख लिया करो, क्योंकि उस मोहर में वजन होता है, उसमें अगर उसने खुरच दी, खुरचने के बाद कुछ वजन कम हो जाएगा, उसका बाट कम होगा। तो जब यानी नगर निगम से इनकम वो यानी पड़ती है, रेट पड़ती है इसकी, तो बात चेकिंग होती है इन बाटों, इसमें मोहर लगी होती है कि कौन से सन में आपने चेक कराया था इसकी, इसके नीचे होती है बाट के नीचे, गोल गोल देखिए तुम लोगों ने, हाँ बहुत से क्या करते हैं ये हटा देते हैं, इसमें हटा के वजन कम हो जाए, तो वो भी देखा करो दुकान पे जाके बाट सही है या गलत। अच्छा ये है तुम्हारा 1 किलो का बाट, 1 किलो का डबल बना दिए हमने यहाँ पर, यहाँ ले लो, चलो 1 किलो रहने दो, डबल हो गया। हाँ ये 100 ग्राम की बटिया छोटी सी होती है, जैसे बटिया बोलते हैं, बाट है बटिया बोलते हैं कि 100 ग्राम की बटिया रखो कहते हो, तो ये 100 ग्राम का ऐसे होगा, 50 ग्राम का ऐसे और छोटी होगी, 50 ग्राम की और छोटी होगी, ये 5 किलो का बाट है बड़ा सा। मान लो बाजार में गए और तुम यानी गेहूँ खरीद रहे हो, या तुम्हारा ये गेहूँ वाला तोल लिया गेहूँ, उसने 5 किलो का बाट रखा है या नहीं रखा है, बाट उसका सही है या गलत है, नीचे इसकी मोहर सही है या गलत है ये। फिर इससे ज्यादा मान लो बाजार में जा रहे हो, गेहूँ खरीद रहे हो 20 किलो गेहूँ, तो 20 किलो गेहूँ का ये बाट रखा है, इस तरीके का होगा, सबके अंदर ये लिखा होगा। 10 किलो खरीद रहे हो तो 10 किलो का होगा इस तरीके से, 50 किलो सब खरीद रहे हो तो 50 किलो का होगा, 50 किलो का मतलब है आधा क्विंटल, 1 क्विंटल में होता है 100 किलो, कितना होता है? अब यानी प्रश्न लिखा हमने, यह लिखा है 70 किलोग्राम प्याज को तोलने के लिए किन किन बाटों का प्रयोग, हाथ उठाओ, 70 किलो प्याज को तोलने के लिए किन किन बाटों का इस्तेमाल होगा, हाथ उठाओ, हाँ बोलो लड़की, 70 किलो तोलने हैं, हाँ बोलो, 50
70 किलो तोलना है प्याज को, तो और मंद बाट इसने वालों में इनमें 50 किलो का एक और 20 का और 20 का 20 का और कोई तरीका है तोलने का जरा बताओ भाई, दूसरा और भी बाट है इसमें, एक 50 का आ जाएगा, दो 10-10 के आ जाएंगे, वेरी गुड। और कोई तरीका है कोई बच्चा बताएगा, अगर हमारे पास 20 किलो का बाट नहीं है फिर क्या करोगे? पांच दस दस के ले लो, चार ऐसे ले लो भाई, किसी करके तोल सकते, किसी के मान लो ये सारे बाट नहीं है तब क्या करोगे? बात यह आई 70 किलो कैसे तोड़ोगे है? तो उस कंडीशन में एक दिन का 15 किलोग्राम गेहूं तोलने के लिए किन किन बाटों की जरूरत पड़ेगी पड़ा बताओ पाल। एक 10 किलो ले ले और एक 5 किलो, तो 15 किलो जाए। और दूसरा तरीका क्या है? 3-5-5 किलो, 3-5-5 किलो के रख लो तब भी तोल सकते, समझ में आया? और क्या कर सकते हो, और क्या कर सकते हो? अरे एक एक किलो के 15 ले लो है भाई, दिमाग दौड़ाओ इस पे, ये नहीं है कि समझ तो जाओगे, दिमाग दौड़ाना है कि हम अगर दुकान हमारी रख ली हमने और हमारी सब्जी की दुकान है, हम कैसे तोले दे सकते, कैसे पहचानेंगे बाजार में जा रहा है कि बाट इसने रखा है या डंडी मारती उसने ऐसे करके घुमा के, तब क्या करोगे तुम है? लिया आधा किलो तुमने 50 ग्राम की बढ़िया उसने सब्जी में रख दी, तो 50 ग्राम इधर झुक जाएगा है, तुम्हारा 50 ग्राम नुकसान हो जाएगा। इसीलिए सारे बच्चे ये यानी बाटों को पहचान लीजिए। थैंक यू वेरी मच।